अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर माफी मांगी है। उदयपुर विधायक और वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं। अब उदयपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में पन्ना धाई की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में बोलते हुए गुलाब चंद कटारिया ने जो कहा उसे लेकर बवाल मच गया, जिसके बाद अब उन्होंने वीडियो जारी कर अपनी सफाई पेश की है। पहले जरा सुनिए गुलाब चंद कटारिया ने ऐसा क्या कहा कि उनका विरोध शुरू हो गया। इतनी सी बात सुनकर के पन्ना के दिमाग पे आया, मैं इस उदय सिंह को कैसे सुरक्षित निकाल सकती हूँ, और इसलिए उसने अपने किरत भंगी को बुलाया कि किरत भंगी दादा काका तुम आओ और आकर के ये व्यवहार का जो भविष्य है इसको इस ये जो अपना फल का टोकरा है इसमें इसको बिठाते हूँ और ऊपर पत्तल और दूने डाल देती हूँ, तुम लेकर के इसको सुरक्षित निकल जाओ। अब बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया के इस बयान पर राजनीति तेज हो गई है। वाल्मीकि समाज के लोग भी कटारिया का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद अब गुलाब चंद कटारिया ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर अपने बयान पर सफाई पेश की है, जिसमें उन्होंने कहा कि भूल होना प्रकृति है और मान लेना संस्कृति है, सुधार लेना प्रगति है तो क्षमा मांगना स्वीकृति है। गुलाब चंद कटारिया ने अपनी सफाई में और क्या कुछ कहा अब जरा वो सुनिए। रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में उदयपुर में पन्ना धाई की एक विशाल प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। इसमें एक तरफ उदय सिंह जी हैं और एक तरफ चंदन है। उन दोनों के बलिदानों को तो चित्रित मैंने अपनी भाषण में दोनों के बलिदान को चित्रित किया कि उन्होंने किस प्रकार का मेवाड़ के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने दिल के टुकड़े चंदन को भी उन्होंने अपनी आंखों के सामने कटते हुए देखा। लेकिन एक बात जो सामान्यतः जनता के ध्यान में नहीं थी, वो इस उदय सिंह जी को सुरक्षित ले जाने वाला अगर कोई था तो किरत काका था। टोकरे में बिठा करके झूठी पतलें रखकर और सुरक्षित ले जा करके सुरक्षित स्थान से पहुंचाने का काम किया। ये जो किरत काका है ये इतिहासकारों ने भी इसको किरत भंगी के रूप में लिखा है, कविताओं के रूप में भी जो कुछ हमने पढ़ा है उसमें भी किरत भंगी के रूप में ही पढ़ा है। और मेरे भाषण के बाद जो एक कविता गिरधारी सोनी जी ने पढ़ी कानून वालों ने, उसने भी किरत काका के उस मेवाड़ की इस भविष्य को सुरक्षित करने का जो योगदान था उसका उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कविता में चित्रण किया, उसमें भी किरत भंगी का ही कहा है। तो हमने कोई जानबूझ करके भंगी कहने का साहस नहीं किया, जो इतिहास में लिखा हुआ है जो अब तक कविताओं में लिखा वही बोला है। और उसके बाद भी अगर आप में से किसी को कोई एतराज लगता है तो वो मुझसे आकर बात करे, क्योंकि मैंने जो शेड्यूल कास्ट की जो सूची देखी है जो अब से हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद घोषित की गई है उस पर 14 नंबर पर आज भी जो सर्टिफाइड शेड्यूल कास्ट के बनते हैं वो भंगी के नाम से ही लिखा हुआ है, और आप सब लोगों ने भी बनाया होगा। मैं सोचता हूँ अगर आपको इतना ही ज़्यादा इस पर अपना गुस्सा है तो राज्य सरकार को आग्रह करके इस सूची से ही इस भंगी नाम को हटा देते तो शायद भविष्य में इसको लोग ये समझते हैं कि इसको बोलना अपराध है इसलिए लोग शायद नहीं बोलते। मेरा केवल इतना ही भाव था और मैंने तो किरत काका को हाईलाइट करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि उदयपुर में पन्ना धाई पार्क और मूर्ति के अनावरण के दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। इसी कार्यक्रम में पन्ना धाई, उदय सिंह, चंदन और किरत की वीरता का बखान करते हुए गुलाब चंद कटारिया ने एक जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर दिया, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। लोगों और वाल्मीकि समाज के बढ़ते विरोध के बाद अब गुलाब चंद कटारिया ने माफी मांग ली है। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।